होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आप लोग को बता दिया, क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है, लमसम अमाउंट में, तो इसका आप लोग होमवर्क कर लेंगे। नाउ कम टू दी इंस्टॉलमेंट, ठीक है। इंस्टॉलमेंट में वाले में अभी आते हैं अपन, इंस्टॉलमेंट वाला भी करेंगे। तो अभी मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट का बता रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, द ऑथोराइज कैपिटल ऑफ मोहन लिमिटेड, ठीक है। मोहन लिमिटेड जो ऑथोराइज कैपिटल है कितना है, 2 लाख है, डिवाइडेड इनटू 20,000। 20,000 इक्विटी शेयर है, शेयर ऑफ 10 ईच बता रहे हैं यहाँ पे, 10 जो है ईच बता रहा है, आउट ऑफ विच 10,000 शेयर, इसमें से 10,000 शेयर को इश्यू कराया गया है टू पब्लिक, पब्लिक को, ओके। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 8,000, लेकिन एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ है, 8,000 रिसीव हुआ है। देखो 10,000 इशू कराया है मतलब कंपनी जो है 10,000 शेयर बेचना चाहती है, लेकिन उनको 10,000 शेयर का पैसा नहीं मिला, उनको कितने का मिला, 8,000 शेयर का पैसा मिला है। तो हम जो है पूरी अमाउंट जो है 8,000 को लेके करेंगे, ओके। 8,000 अमाउंट को लेके अपन पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन द शेयर मनी पेबल एज ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 3 ऑन कॉल। देखो ये 10 को ही ना, ₹10 को ही ना यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए बोला है, एप्लीकेशन में ₹2 देने के लिए बोला है, अलॉटमेंट में ₹3, फर्स्ट कॉल में ₹2 एंड फाइनल कॉल में ₹3। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका 10 आ जाएगा, ओके। हियर यू विल सी, यहाँ पर आप देख सकते हो एप्लीकेशन का जो है, एप्लीकेशन का जो है आपका 2 होगा, अलॉटमेंट का जो है आपका 3 होगा, फर्स्ट कॉल का जो होगा आपका कितना का 2 होगा, एंड फाइनल कॉल का जो होगा वो कितना होगा, 3 होगा। तो कितना जाएगा आपका, 3 + 3 = 6, 2 + 2 = 4, 6 + 4 = 10, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ₹10 आ गया, ठीक है। अभी अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे जो है 10,000 जो है इक्विटी शेयर इशू करा रही है कंपनी, बट यहाँ पर 8,000 जो है मनी रिसीव हो रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन जो मनी रिसीव हुआ है वो कितने का हुआ, 8,000 का। तो अपन पूरा 8,000 को लेके ही पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट फर्स्ट जर्नल एंट्री, आप लोग फॉर्मेट वगैरह खींच के करेंगे, ओके। आप लोग लिखेंगे डेट, देन पर्टिकुलर, देन डीआर अमाउंट, देन सीआर अमाउंट, ओके। नाउ सबसे पहले अपन एंट्री करेंगे, सबसे पहले कौन सी एंट्री होगी, बैंक जो रिसीव्ड होगी, रिसीव्ड की एंट्री होगी, ठीक है। मैंने आप लोग को जो है ऑनलाइन में लास्ट टाइम क्लासेस में आप लोग को बताया था कि पूरी एंट्री जो है आप लोग लिख लोगे, कुछ बच्चे लिखे कुछ बच्चे नहीं लिखे होंगे, बट यू हैव टू राइट फ्रॉम द बुक, ओके। तो सबसे फर्स्ट एंट्री होगी आपकी बैंक रिसीव की एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी में मैं ई क्यू लिख रही, ठीक है, छोटा स्मॉल करके ई क्यू, लेकिन आपको पूरा लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। कितना जाएगा आप लोग देखो, मैंने बताया ना आप लोग को कि 8,000 को लेके करेंगे, तो 8,000 का जो है मनी रिसीव हुआ है, हम लोग किसका कर रहे हैं, एप्लीकेशन का कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन का पैसा कितने का, कितना है, ₹2 है, तो 8 × 2, ठीक है। तो कितना जाएगा, 16,000, 16,000, समझ में आया कैसे है 16,000, 16,000, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना करेंगे, नेक्स्ट जो है ट्रांसफर की एंट्री होगी, ओके। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। वही अमाउंट को जो है अपन ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल, ठीक है। तो कितना जाएगा, 16,000 एंड 16,000 ईयर कंप्लीट। देन थर्ड,
अभी अपन क्या करेंगे, देखो ये एप्लीकेशन की दो एंट्री है, तो एप्लीकेशन की दोनों एंट्री हो गई है, दिस इज टू एंट्री ऑफ किसका है, ये एप्लीकेशन का है, मैं अभी यहाँ पर समझाने के लिए लिख रही हूँ, आप लोग नहीं लिखेंगे, ये जो दो एंट्री है वो किसका है, एप्लीकेशन का है। अभी हम लोग अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, ठीक है। अलॉटमेंट की एंट्री जब अपन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्यू की एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री। तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी देखो अलॉटमेंट में कितना रुपीज है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखोगे आप लोग तो 3 रुपीज लिखा हुआ है, ठीक है, 3 on allotment करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम 3 रुपीज को लेंगे, किसके साथ करेंगे, 8000 के साथ, तो 8000 इंटू क्या करेंगे, 3 करेंगे, तो आपका कितना जाएगा, 24000, ओके। नाउ फोर्थ, अभी अपन को रिसीव की एंट्री होगी, ठीक है, तो रिसीव की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट। देखो एक ही एंट्री ऐसा ही आना जो सबसे पहले रिसीव की एंट्री होगी, फिर ट्रांसफर की एंट्री होगी, बाकी जितनी भी एंट्री होगी अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, सेकंड कॉल की, फाइनल कॉल की, जो भी एंट्री होगी, सबसे पहले ड्यू की एंट्री होगी, उसके बाद रिसीव की एंट्री होगी, ठीक है। बस ये फर्स्ट दो है ना, इसको अपन को थोड़ा डिफरेंट रखना है अदर देन दिस, ठीक है। अभी जो है ये सिंपल जाएगा आपका, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो ये कितना जाएगा, 24000। नेक्स्ट फिफ्थ में क्या करेंगे, अभी फर्स्ट कॉल की करेंगे। देखो अभी ये दो जो एंट्री है, ठीक है, ये दो जो एंट्री किसकी, अलॉटमेंट की हो गई, अलॉटमेंट की एंट्री है, ठीक है। ये सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, रिसीव्ड की एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, और फिर ट्रांसफर कर रहे हैं, रिसीव से लेकर ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अलॉटमेंट के बाद अपन क्या, अलॉटमेंट के टाइम क्या करेंगे, सबसे पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्यू की एंट्री, दिस इज ड्यू की एंट्री, और ये क्या है, रिसीव्ड की एंट्री, दिस इज रिसीव्ड की एंट्री, ठीक है। तो सबसे पहले अपन अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करेंगे, फिर रिसीव की एंट्री करेंगे, वैसे ही बाकी फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में भी सबसे पहले अपन ड्यू की एंट्री करेंगे, फिर रिसीव की एंट्री करेंगे। तो फिफ्थ वाला हो जाएगा आपके ड्यू की एंट्री, किसके ड्यू की एंट्री होगी, फर्स्ट कॉल की, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद देखिए एप्लीकेशन की एंट्री हो गई, अलॉटमेंट की एंट्री हो गई, अभी फर्स्ट कॉल की करनी है ना, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी है तो क्या एंट्री होगी, ड्यू की एंट्री करेंगे, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है आप लोगों के क्लास में। 10-2 कितना जाएगा, 16000। अभी जो आपका 6th क्वेश्चन हो जाएगा, बैंक की एंट्री, ठीक है, तो बैंक की एंट्री क्या होगी, बैंक रिसीव की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितने जाएगी, 16000 and 16000, ठीक है। नेक्स्ट होगा सेवन, देखो ये भी आपके क्या है, ये सबसे पहले किसकी एंट्री है, ये ड्यू की एंट्री है, ठीक है, उसके ड्यू को किसकी एंट्री है, ये जो है आपकी रिसीव की एंट्री है, हाँ, ठीक है। लेकिन सिर्फ एप्लीकेशन के टाइम ही देखोगे कि सबसे पहले अपन रिसीव करें हैं फिर ट्रांसफर करें, बस यही एक एंट्री है जो सबसे पहले स्टार्ट होती है, ठीक है, बाकी सब एज इट इज वैसी होती है, ओके। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, और एक तो थोड़ा हाई वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो मैं आप लोगों को कल बताऊंगी, आज सिंपल क्वेश्चन जितने भी है उसको आप लोग पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट होगी ड्यू की, अभी सेकंड कॉल की, देखो अभी अपना क्या क्या हो गया है, अभी अपना देखो फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन वाला हो गया, अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया, अभी क्या बचा, फाइनल कॉल, ठीक है, तो फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे, तो फाइनल कॉल की सबसे पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, ड्यू की एंट्री होती है इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल, सेकेंड नहीं फाइनल कॉल भी लिख सकते, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर से वही लेंगे 8,000 से लेंगे 8,000। फाइनल कॉल का कितना रुपीज है देखोगे आप लोग, 3 रुपीज है ना, यहाँ पे 3 रुपीज लिखा हुआ है, तो 3 रुपीज लेंगे अपन, तो इंटू क्या करेंगे, 3 करेंगे, तो कितना जाएगा आपका अगेन 24,000, 24,000, 24,000। ठीक है, ये होगी ड्यू की एंट्री हो गई। अब अपन किसकी करेंगे, रिसीव्ड की एंट्री। ठीक है, फाइनल कॉल के रिसीव्ड की एंट्री करेंगे 8। तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर किसका होगा, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, हाँ सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट भी वही होगा 24,000, 24,000। क्लियर है, समझ गया? यस मैम। नैरेशन लिखना नहीं भूलना, नैरेशन आप लोग लिखोगे सेम सेम चीज ही आएगा, इसमें रिसीव की एंट्री है, ये ट्रांसफर की एंट्री है, ये ड्यू की एंट्री है, ये रिसीव की एंट्री है, दिस इज ड्यू की एंट्री, दिस इज रिसीव की एंट्री, तो आप लोग नैरेशन भी वैसे लिखेंगे। ठीक है, नैरेशन भी ये होगा कि ये रिसीव्ड एंट्री है, ठीक है, रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर, ड्यू अमाउंट, दिस इज द ड्यू अमाउंट, ठीक है, बीइंग द ड्यू अमाउंट, अलॉटमेंट ड्यू अमाउंट, ठीक है, दिस इज रिसीव्ड अमाउंट। ठीक है, इस टाइप से लेके आप उसको लिखेंगे नरेशन को, बहुत सिंपल सिंपल छोटे छोटे नरेशन रखना, पर नरेशन लिखना जरूरी है। ओके, क्लियर है? यस मैम। ओके मैम, नाउ इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग होमवर्क करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, बहुत ईजी है। तो मैं क्वेश्चन नंबर कौन कौन से थे, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 6 लमसम का मैंने एक बुक बताया है और इंस्टॉलमेंट का एक मैंने बताया है। ठीक है, एक इंस्टॉलमेंट का बताया है, दोनों चीज बताया है, बाकी जो 3 क्वेश्चन है वैसे ही है सेम टू सेम, उसको आप लोग कर लेंगे। ठीक है, कल अपन जो है इसका यूज करेंगे, कैश बुक यूज करेंगे, हालांकि ये आता नहीं है लेकिन फिर भी अपन इसको एक बार ये कर लेंगे। ठीक है, प्रीमियम डिस्काउंट उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे, कॉल सिनेरियो से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अभी डेली जो है आप लोग 9 बजे क्लास अटेंड करेंगे। ठीक है, डेली 9 बजे मैं आप लोग का क्लास लूंगी या 9 बजे से पहले लूंगी, तो आप लोग 9 बजे के पहले जो है अपना मतलब तैयार रहोगे अपना। ठीक है, कॉपी किताब लेके तैयार रहोगे, मैं आप लोग का डेली जो है 9 बजे से क्लासेस लूंगी। ठीक है, ओके मैम। ओके 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 नाउ क्लासेस ओवर। ओके नाउ क्लासेस ओवर, अभी जो है इन क्वेश्चन लोग को सॉल्व करो और ग्रुप में सेंड करो, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6 को सेंड करो, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है, ओके ओके मैम। ओके नाउ क्लासेस ओवर। ओके क्लासेस ओवर।